नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुर त्यागी और चैनल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स। दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सात ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है शोपीफाई। दोस्तों, शोपीफाई 2004 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों, शोपीफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करा जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तौर पे। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। ऊपर से ये फेसबुक से भी कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप डायरेक्टली अपने फेसबुक स्टोर को बना सकते हैं। दोस्तों, शॉपिफाई के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कस्टमर्स का और बिजनेस करने वालों को काम बहुत ही आसान कर दिया है। इनकी एक अपनी डायरेक्टरी है, ये अपने ऐप्स बनाते हैं और प्लगइन्स बनाते हैं जो कि यूजर्स का काम बहुत ही आसान कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी स्टोर के अंदर अपने सोशल मीडिया चैनल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भी इनके पास प्लगइन है, और ऐसे ही इनके पास हर चीज़ के लिए अलग प्लगइन है, और ये डेली डेली अपनी डायरेक्टरी को अपडेट करते रहते हैं प्लगइन्स के साथ। इसके बाद दोस्तों, एक और जो इनका प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप इनके साथ लाइव चैट पे भी बात कर सकते हैं और 24/7 सपोर्ट देते हैं शॉपिफाई वाले। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले नंबर पे शॉपिफाई आप यूज कर सकते हैं एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, दूसरा जो ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म है वो है मजेंटो। दोस्तों, मजेंटो 2008 में लॉन्च हुआ था और ये ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इसकी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की वजह से बड़े बड़ी ब्रांड्स मजेंटो को एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, जैसे कि बर्गर किंग हो गया, हवाई एंड लिवरपूल, ऐसी कई बड़ी ब्रांड्स हैं जो मजेंटो को एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं। दोस्तों, मजेंटो के अपने अंदर ही 9,000 से ज्यादा प्लगइन्स हैं जो आपकी मदद करते हैं स्केलेबिलिटी में और काफी और चीजों में। जो बंदा नॉन टेक्निकल है वो भी मजेंटो को यूज कर सकता है। आपको मजेंटो के अंदर सोशल मीडिया एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेंगी, तो आप फ्री में अपने सोशल मीडिया सारे कनेक्ट कर सकते हैं मजेंटो के साथ। और दोस्तों, आप जैसे चाहते हैं वैसे मजेंटो को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो गाइस, मजेंटो आ गया है दूसरे नंबर पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर। दोस्तों, इसके बाद आता है बिग कॉमर्स। दोस्तों, बिग कॉमर्स के ऊपर आपको 55,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन स्टोर मिलेंगे। तो बिग कॉमर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। गाइस, बिग कॉमर्स ने छोटे से लेके हर साइज के बिजनेस को सपोर्ट करता है बिग कॉमर्स। तो अगर आप अपने बिजनेस को किसी भी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे छोटे बिजनेस को चाहे बड़े बिजनेस को, तो आप बिग कॉमर्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिग कॉमर्स के अंदर आपको काफी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको बिल्ट इन एनालिटिक्स मिलेगा, आप इसके अंदर अपने कूपन्स ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट के फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो काफी ऐसे फीचर्स हैं जिसमें बिग कॉमर्स अच्छा है। दोस्तों, आप इजिली बिग कॉमर्स में अपने स्टोर को फेसबुक से, ईटीसी से, गूगल शॉपिंग से, ईबे से, जितनी भी कंपैरिजन साइट्स है सब पे ऐड कर सकते हैं। तो बिग कॉमर्स के अंदर ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। दोस्तों, इसके बाद जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आता है उसको सब जानते हैं, उसका नाम है वूकॉमर्स। दोस्तों, ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप इजीली इसके अंदर पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके शॉपिंग कार्ट के साथ बहुत ही अच्छा काम करेगा। दोस्तों, जो कुछ फीचर्स हैं वूकॉमर्स के वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वूकॉमर्स बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। जो इसका एडमिन पैनल है आप इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की अनलिमिटेड कैटेगरीज बना सकते हैं इसके अंदर। आप सिक्योर पेमेंट गेटवे अपने वूकॉमर्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्लेटफॉर्म को भी मद्देनजर रख सकते हैं अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो वूकॉमर्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं वो है योकार्ट। दोस्तों, योकार्ट को डिजाइन किया है स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए और एसएमबीज के लिए। दोस्तों, आप योकार्ट को इजिली एमेजोन, ईटीसी, ईबे सबके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये एज अ मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म काम करता है। दोस्तों, ये मल्टी लिंगुअल और मल्टी करेंसी का प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म इंडिया से आप ऑपरेट करते हैं, तो कोई ब्राज़ील से खोल रहा है
तो वो उसी लैंग्वेज में उनको शो होगा अगर आप वो वाला फीचर इसमें एक्टिव करते हैं, और उनकी करेंसी में ही वो स्टोर उनको दिखेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है योकार्ट का। योकार्ट के पास अपना एक इनबिल्ट प्रोडक्ट कैटलॉग सिस्टम भी है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।